हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक कंप्यूटर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में। ये मामाअर्थ का न्यू लॉन्च कॉम्पैक्ट पाउडर है और इस प्रोडक्ट को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। हो सकता है बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक लेना चाहती हूँ, कन्फ्यूज हूँ कि इन दोनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि इन दोनों प्रोडक्ट में से आपको कौन सा लेना चाहिए। प्राइस का भी बहुत बड़ा अंतर है और दोस्तों, दोनों ही प्रोडक्ट आपको इजीली, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, ये आपको नायका पे मिल जाएगा और ये अभी नायका पे आई थिंक लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और मैं आप लोग को शेयर करती हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इन दोनों प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाते हैं और आपको इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोग को ये भी शेयर करूँगी कि मुझे अगर लेना होगा तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करूँगी। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहले बात करती हूँ पैकेजिंग की। बात करूँ पैकेजिंग की, देख सकते हैं दोनों की ही पैकेजिंग सिमिलर है। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट दोनों की पैकेजिंग सिमिलर है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसके अंदर भी ये इस तरह का एक स्पॉन्ज टाइप आता है, बहुत ही अच्छे से अंदर पैक होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मेसी होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते हैं। और सेम ऐसी ही पैकेजिंग जो है कि ब्यूटी की है, आई थिंक पहले इन्होंने इस तरह की पैकेजिंग निकाला है। ये प्रोडक्ट अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो सेम इसकी भी, दोनों की देख सकते हैं, दोनों की सिमिलर ही पैकेजिंग है। और दोस्तों, बात अगर आपको अंदर का प्रोडक्ट दिखाऊं तो अंदर का प्रोडक्ट भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है। बट ये जो की ब्यूटी वाला, इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी स्लिक, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी रॉयल दिखती है इसके कंपेरिजन में। और इसकी जो पैकिंग थोड़ी सी पतली, इसकी पैकिंग थोड़ी सी मोटी है। दोस्तों, रीज़न ये है कि ये इसके अंदर जो है ये स्पॉन्ज आता है, देख सकते हैं आप, बट इसके साथ कोई भी स्पॉन्ज नहीं आता है। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से इसकी पैकेजिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा पतली है इसके कंपेरिजन में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो ये अंडर 500 आता है, 499 का। और इसका दोस्तों, इसका जो प्राइड है, सॉरी प्राइस, इसका जो प्राइस है ये आपको अंडर 700 मिल जाएगा। कभी कभी ये रिसेंटली मैंने इसे नायका के सेल में मैंने 650 रुपये में से लिया था, तो 650 तक रुपये तक भी आपको मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट फिलहाल आपको 499 का ही मिल रहा है और हो सकता है आगे थोड़ा सा और पुराना होने पे ये प्राइस कम करें। मामाअर्थ पे वैसे भी बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं तो प्राइस कम भी हो सकता है, 400 रुपये तक, 450 रुपये तक आपको मिल सकता है। मैं आती हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है सेड। जी हाँ दोस्तों, सेड का इन दोनों प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें टोटल केवल 4 सेड ही इन्होंने लॉन्च किए हैं और इसमें टोटल 10 सेड आते हैं। तो आप समझ सकते हैं सेड का कितना बड़ा अंतर है। इस प्रोडक्ट में आपको इजीली आपका आपका जो स्किन टोन, जो आप जिस भी स्किन टोन के हैं, आपको सेड मिल जाएगा। बट इस प्रोडक्ट में सेड मिलने में आपको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि 4 ही सेड आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 सेड कितने कम सेड होते हैं हमारे इंडियन स्किन टोन के लिए। बहुत सारे स्किन टोन से बिलोंग करते हैं तो सेड रेंज जो है एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग है इस प्रोडक्ट के साथ, बहुत, जो कि बहुत कम है। सेम इनके फाउंडेशन के साथ भी है, फाउंडेशन में भी इनके केवल 6 सेड ही आते हैं दोस्तों। और मामाअर्थ के फाउंडेशन ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों, की ब्यूटी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। की ब्यूटी पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं आप। इन सारे वीडियो को भी जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, तो दोस्तों बात करूँ अपने पॉइंट पे, तो सेड का जो है बहुत बड़ा अंतर है। तो एक इसके साथ ही बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, तो सेड रेंज इसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पॉइंट पे भी ये जो है टोटली विनर है। तो मैं बात करूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन दोनों ही प्रोडक्ट में जो ये वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसके साथ दोस्तों स्पॉन्ज आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोडक्ट अपने अगर बैग में हम लेकर कहीं जाते हैं तो हमें अलग से कोई ब्रश या कुछ अलग से कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ स्पॉन्ज आता है तो हम इजीली कहीं पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर आप कैरी करते हैं तो इसके साथ हमें एक ब्रश या स्पॉन्ज अलग से हमें कैरी करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेवल फ्रेंडली ज़्यादा है। मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ब्लेंडिंग की। दोस्तों, अगर बात ब्लेंडिंग की है तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन पे इसके कंपेरिजन में। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। इसे अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ये जगह जगह, मतलब कि जाके स्टिक हो जाता है, अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। बट ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ईजिली आपके फेस पे ग्लाइड हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इस पॉइंट पे भी ये वाला प्रोडक्ट जो है विनर है, ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है।
और दोस्तों मैं बात करूँ मेरी नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर हमारे फेस को अच्छा नहीं दिखाता है, लगाने के बाद हमारे फेस अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, तो पूरा ही वेस्ट हो जाता है। चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट जिनको अपने फेस पर अगर हम लगाने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो दोस्तों बात करें क्वालिटी की, तो वैसे तो इस प्रोडक्ट के साथ ही क्लेम करते हैं कि बहुत ही ये टाल्क फ्री है और 100% इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बट फिर भी दोस्तों इसको लगाने के बाद ये फेस पे अच्छा नहीं दिखता है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इसके कंपेरिजन में, ये क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा चौकी है, बहुत ज़्यादा पाउडरी है, अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड नहीं होता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही सिल्की, बहुत ही स्मूथ है, बटरी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से ये अगर आप इसे टच करोगे, आप लगाओगे, तो आपको अपने आप ही अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। बहुत ही सॉफ्ट है और ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही नेचुरल फेस लगता है आपके फेस पे लगाने के बाद। बिल्कुल भी ये नहीं फील होता कि आपने कोई ऐसा पाउडरी टाइप का कोई अपने फेस पे लगाया है जो कि आपके फेस को अजीब सा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये प्रोडक्ट बहुत ही नेचुरल आपके फेस को दिखाता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल उल्टा है, इसे जब भी मैंने अप्लाई किया है, ये लगाने के बाद बहुत ही फेस पे पाउडरी लगता है। एकदम समझ में आता है कि मैंने अपने फेस पे कोई पाउडर टाइप का कोई मैंने अलग से प्रोडक्ट लगाया हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ऐसे प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद है जिनको लगाने के बाद फेस अलग से दिखे, अलग से समझ में आए कि हमने कुछ लगाया हुआ है। मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं जो थोड़े नेचुरल फिनिश होते हैं, जो हमारे फेस पे बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश दें, वही प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, जो कि इस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही पाउडरी लगता है लगाने के बाद, बिल्कुल ये ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं दिन में से अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं इसे रात में ही कभी कभी अप्लाई करती हूँ। लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं कभी भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता है कि इसे कब अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है। बहुत ही जल्दी हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो 100% ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंट है इन दोनों ही प्रोडक्ट में। इन दोनों प्रोडक्ट में इसकी क्वालिटी बेस्ट है और दोस्तों प्राइस में 100 या 150 रुपये का ही अंतर है, बट इसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट है। इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल, और ये ममार्थ की जो क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये जो ममार्थ का कॉम्पैक्ट है, ये फेस को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाता है, बिल्कुल नेचुरल फिनिश इसमें नहीं आती है, बट इस प्रोडक्ट में जो है बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है। ये जो है बहुत बड़ा जो पॉइंट है, जो मुझे बहुत बड़ा अंतर इन दोनों प्रोडक्ट में ही समझ में आता है। दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि कंपेरिजन वीडियो थी। मैंने जो भी पॉइंट आप लोग को इन दोनों के बारे में बताया, जो भी पॉइंट मैंने क्लियर किया, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों ही प्रोडक्ट को यूज़ किया है। इस प्रोडक्ट को आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी इसके 3 पैन मैं फिनिश कर चुकी हूँ, चौथा मैंने बाय किया है। और इस प्रोडक्ट को, ये जो कि न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, 10 दिन हो चुके हैं मुझे इसे यूज करते हुए, मैंने काफ़ी इसे भी मैंने यूज किया है। जो भी चीज़ें मैंने बताया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, और सारी ही चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फील किया है, बहुत अच्छे से मैंने अपने फेस पे अप्लाई करके देखा है, मैंने वही बातें आप लोगों के साथ बताई। और दोस्तों इन दोनों प्रोडक्ट में से अगर मुझे लेना होगा, अगर मुझे खरीदना होगा, तो 100% मैं ये वाला ही मैं खरीदना पसंद करूँगी इसको, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो मेरे फेस को बहुत ही चौकी दिखाए, बहुत अलग से दिखाए, पता चले कि मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया है, ऐसा प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे वही प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं जो फेस को बहुत ही नेचुरल स्किन लाइक जो फिनिश दे, वही प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि इस प्रोडक्ट के साथ ही बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है। दोस्तों इन दोनों में क्वालिटी का बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके कंपेरिजन में। और दोस्तों इन प्रोडक्ट, अगर इन दोनों प्रोडक्ट का अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट ऊपर मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो अलग से सेपरेट भी बनाई हुई है, तो आप इन वीडियो को भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप इन प्रोडक्ट का डेमो अच्छे से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए काम की रही हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें और मेरी आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।